और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब? उम्मीद करता हूँ सब हरे से होंगे, मैं भी हरे से हूँ। तो हम गुजरात से निकल आए हैं जी, हम जा रहे हैं जरा सियालकोट। मेरा कजन है असद, उसका मोबाइल लेने, और हमारा जो बाइक है 1947 का, वो पंचर हो गया। जिसने भी ये काम किया है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। असद जरा हाय हो कह दो। हाय, क्या हाल है ब्रो? मस्ती कर रहे हैं। चलो उर्दू छोड़ो, पंजाबी च आउंदे हां। असीं आ रहे हैं पंचर दुकान ते, काफी टुर गए। ओ कित्थों से टुरदे आए? ठीक है, ते असीं हुण पंचर दुकान ते आ गए। तुसीं देख सकते हो मेरी फ्लैट लेट हो गई है, ते असीं हुण इत्थों जाणा फिर सीधा सियालकोट। ते असीं घरों निकल जांदे तां वास्ते नहीं बनाई, ते जल्दी पई सां, ते जल्दी दा नतीजा फिर ज़्यादा लेट हो गए हैं। ठीक है, तुसीं देख सकते हो हुण असीं ज़्यादा फिर लेट हो गए। जनाब पंचर लवा लिया सा अपनी गड्डी, ते असीं हुण चलने आं सियालकोट वल। असीं इत्थे खलोते आं सानूं रोहेला, ओ नज़र आउंदा होणा तुहानूं रोहेला। ते असीं हुण चलने आं सियालकोट, ते उत्थे जाके हुण मुलाकात होंदी है सियालकोट। सही है जी। असीं कोबरा क्लास नूं लग गए आ। ठीक है, चिल शिल कर रहे हैं चिल। कड़ा चौक पता ही ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਲਏ ਆ, ਕਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਡਸਕਾ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਸਕਾ ਰੋਡ ਆ ਗਏ ਆ, ਡਸਕਾ ਰੋਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਰੋਡ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਰੋਡ ਹੈ, ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਲਾਬ ਵਗੈਰਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਿਊਬ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਡਸਕੇਰਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा, सिंगल रोड है उधर, आवाम अपने स्टाल रोड उधर लाए ने। नहीं नहीं कोई नहीं, आज तक सुना ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हम मुसलमान हैं और सब बहन भाई हैं। ठीक है, हम आज घूम रहे हैं सियालकोट में, चिल शिल पार्टी शार्टी हो रही है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो कभी हमारी लैंग्वेज उर्दू में चेंज हो जाती है, कभी पंजाबी में, क्योंकि हम आज शहरी लोंडे बने हुए हैं, तो हमने सोचा आज उर्दू बोली जाएगी। ठीक है, क्या नहीं है उर्दू बोलनी पंजाबी? उर्दू आज उर्दू बोलेंगे। ठीक है, तो यो मिलते हैं फिर सियालकोट में। जी हराम सिटी, सॉरी हराम सिटी आराम है ना। एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट की तरफ रास्ता जाता है। ठीक है, एयरपोर्ट सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट 6 किलोमीटर, ये असद के दादा अबू का, मतलब मेरे नाना अबू का। ठीक है असद, हाँ। और ये मेरे जो है ना मामू का भी है। जी बिल्कुल असद, तो रास्ता आपको मालूम है ना यार? आए हम तो थक गए, शेर हो गया, तो आप इतना ज्यादा लंबा सफर हो गया हमारा। सही है असद, ये कौन सा दरिया? दरिया चिनाब। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं दरिया चिनाब है, इसमें आती दफा असद ने नहाना है। खुरक शुरक इसको पड़ी हुई है, बारिश पड़ी हुई है, इसको वो मिटनी मिटानी है इसने। मुझे खुरक पड़ गया। सियालकोट जे
सियालकोट अभी तक हम नहीं पहुंचे, सियालकोट ना एंटर हो गए, हम रब्ता करते हैं आपसे। तो जी हम सियालकोट पहुंच चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं, ठीक है, डिफेंस रोड पे हो रही है। आप डिफेंस रोड की हालत देख सकते हैं, यहाँ पे इतनी डस्ट वगैरह और रोड भी काफ़ी ख़राब है, ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मतलब सियालकोट का कोई हाल नहीं है, कभी से बहुत बुरा हाल किया उन लोगों ने। फिर भी वैसे लोग कहते हैं कि हमने सियालकोट या शहर किसी में भी जाना है, बिल्कुल कोई भी शहर अच्छा नहीं आता। तो यार असद भाई, मतलब आपने जो पीछे बात कही है मुझसे वो लड़कियों वाली, वो ज़रा इनको भी बताएं। यार इनको अब हम क्या बताएं, इनको मैं बोलता हूँ ज़रूरत नहीं। नहीं एक दफ़ा बता रहे हैं, मतलब के कैसे लड़कियाँ घूम रही थी। यार मसला ये है कि शहर में जो कोई भी शहर है ना, उसमें सब अपनी बहनों माओ जो भी होती है उनको ले गए घूम रहे होते हैं, और उनको इतनी शर्म होती है कि हमने अपने सर पर बट्टा लेना है कि नहीं लेना। सही है, इसका मसला ये है कि शहर में आना नहीं चाहिए। ठीक है, तो जी असद भाई को शहर से नफरत है, वो कहते हैं कि मतलब कि यहाँ पे होते मतलब किसने कोई औरत देखी है ना, उसने औरत देखी है कोई, तो वो कहता है कि इसने सर के ऊपर बट्टा नहीं लिया हुआ। तो मैं ये कहता हूँ कि हर किसी का नज़रिया ठीक है और अपनी नीयत पर साफ होनी चाहिए, जैसे हर किसी का नज़रिया, जिसे जिस नज़रों से आप देखेंगे ठीक है, उस थोड़ी ना हर कोई वैसा होता है, हर कोई इंसान अलग सोच रखता है। और मैं ये सोच रहता हूँ कि मतलब हर कोई इंसान की मतलब अपनी वैल्यू है, अपनी रिस्पेक्ट है, तो हम इस मामले पर बात ना ही करें तो अच्छा है। तो छोड़ो ये सब बातें, आप सियालकोट जाकर हैं क्या सीन है, और ये रोड जाकर है सियालकोट रोड की काफ़ी इन्होंने लगाई हुई है, काफ़ी रोड खराब हुआ है। ये एक्सपीरियंस एक्सपायर खाले है ये, और अभी हम चाइना चौक से निकले हैं, अभी हम जा रहे हैं सियालकोट के साथ एक गाँव है, वहाँ से हमने मोबाइल लेना है इसका, तो मोबाइल ले के फिर आपको हाँ चीमा चौक के नज़दीक आ गए हैं, तो अभी हम मोबाइल ले के फिर आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डस्ट वगैरह भी काफ़ी है, धूप भी ऊपर से काफ़ी है, गर्मी काफ़ी है ऊपर से। इनको बताएं कि हम गुजरात से आए हैं और हमारी गाड़ी चेक करें कैसी है। हमारे पास 1947 मॉडल है 70 का, और हम गुजरात से हैं ऊपर से ये बैग भी लेकर। अच्छा तुम्हें जाना है कनाडा की फ्लाइट है लड़के की, मोबाइल लेके इसके बाद इसने सीधा कनाडा जाना है। चलो ठीक है फिर मिलते हैं, मोबाइल लेके। तो बॉक्स उतारने के बाद ब्रीफकेस, तो अभी हम आ गए मोबाइल लेने, ठीक है फिर मिलते हैं मोबाइल लेके। नहीं ये देखे मोबाइल ले लिया असद का, और हम अभी सियालकोट से निकल गए हैं, ठीक है अभी हम जा रहे हैं मुनीराबाद, उधर से अडहान के वाले शॉर्टकट रास्ते पे सीधा हम जाएंगे घर, ठीक है। तो अभी हमारे पास टाइम नहीं था इतना, तो सियालकोट घुमाना था आपको और सियालकोट के मेन पॉइंट भी आपको दिखाना था, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं था, तो सॉरी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको सियालकोट का टिकट हम बुक करवाएंगे, तो अभी चलते हैं घर, और फिर रास्ते में देखते हैं अगर टाइम मिला तो हम खाना वगैरह खाएंगे, अगर टाइम मिला तो फिर हम खाना वगैरह खाएंगे और फिर उधर से हम निकलेंगे। अरे सियालकोट आके काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी सियालकोट के वहाँ को ठीक है, और अल्लाह हाफिज़। In 300 meters, keep right at the fork. तो अभी हम अडहान के पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे हम गा रहे हैं गोलगप पे, और तो अभी इधर से हम सीधा घर जाएंगे, ठीक है फिर अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।